हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है द हार्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं स्टडी जंक्शन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, लॉसेस एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है मोर देन वन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस को यूज करके। इसके बाद आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। ऑटो ब्लैथी, मिक्सा डेरी एंड कार्लो जिपनिस्की ने पहले ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया था, पर बाद में लुसेन गुलर्ड, सबस्टिन फेरेंटी एंड विलियम स्टैनली ने उसे परफेक्ट किया था। इसके बाद आइए जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या सब पार्ट्स हैं। पहले कोर, फिर वाइंडिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल, टैप चेंजर, ऑयल कंजर्वेटर, ब्रेजर, कूलिंग ट्यूब्स, बचर्स रिले एंड एक्सप्लोजन वेंट। तो पार्ट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कोर के बारे में। तो कोर बना होता है सिलिकॉन स्टील से या फिर सॉफ्ट आयरन से, जो कि सपोर्ट करता है वाइंडिंग को। कोर जो होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स का फ्लो करने के लिए फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। कोर का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉपर लॉस के साथ एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयरन लॉस के साथ। जैसे कि मान लीजिए अगर कोर का साइज बड़ा हुआ तो उसमें जो कॉपर यूज होगा उसका अमाउंट भी ज़्यादा लगेगा, तो इससे कॉपर लॉस भी ज्यादा होगा। उसी तरह अगर कोर का साइज छोटा हुआ तो उसमें अमाउंट ऑफ कॉपर कम लगेगा तो कॉपर लॉस भी कम होगा। उसी तरह अगर हम कोर का साइज ज्यादा बड़ा करेंगे तो उसमें जो आयरन लॉस है जो कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस है वो ज्यादा होगा। कोर का कॉम्पोजिशन डिपेंड करता है वोल्टेज, करंट एंड फ्रिक्वेंसी के ऊपर। हमें पता है E=4.44 F×5×N, लेकिन हम फाइव को लिख सकते हैं B×A। तो जो टोटल इक्वेशन हुआ E=4.44 × F×B×A×N। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वोल्टेज जो है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, तो अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो एरिया भी ज्यादा होगा। उसी तरह पावर एक सर्किट में कांस्टेंट होता है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा हुआ तो करंट कम होगा और करंट कम हुआ तो साइज ऑफ ट्रांसफार्मर बड़ा होगा। उसी क्वेश्चन में हम ये भी देख सकते हैं, तो अगर हम F को एक साइड में ले आए तो F जो है वो एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कोर का एरिया घट जाएगा और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो कोर का एरिया। इसके बाद सेकंड में आता है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में मेनली दो टाइप्स का वाइंडिंग होता है जो कि कॉपर कंडक्टर से बना होता है, एक है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम जिस वाइंडिंग को इनपुट सप्लाई देते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और जिस वाइंडिंग से हमें आउटपुट निकलता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से वाइंडिंग को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एक है लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है वो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग और जो ब्लू कलर का है वो है लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसके बाद आइए बात करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज किया गया है, पर उनमें से कुछ है इंसुलेटिंग पेपर, कार्डबोर्ड एंड ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल बोथ इंसुलेशन के लिए भी एंड ऑल्सो कूलिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल के हिसाब से नॉर्मली पाराफिन ऑयल को यूज किया जाता है। इसके बाद पार्ट्स में चार नंबर में है टैप चेंजर। टैप चेंजर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है यूजर को वेरिएबल टर्न्स रेशियो चूज करने के लिए, जिसकी वजह से हम आउटपुट को रेगुलेट कर सकते हैं। टैप चेंजर दो टाइप के होते हैं, ऑनलाइन टैप चेंजर, ऑफलाइन टैप चेंजर। ऑनलाइन टैप चेंजर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मीन्स ऑफ नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक स्टेशन, सब स्टेशन। लेकिन ऑफलाइन टैप चेंजर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम कुछ देर के लिए आउटपुट सप्लाई को बंद भी कर सकते हैं। मेनली ऑनलाइन टैप चेंजर में क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है तो यहाँ पे स्पेशली ऑयल रहता है आर्क क्वेंचिंग के लिए, मतलब जो आर्क का इफेक्ट है उसे कम करने के लिए। लेकिन क्योंकि ऑफलाइन टैप चेंजर ऑलमोस्ट लो वोल्टेज एरिया में यूज होता है तो यहाँ पे आर्क क्वेंचिंग के लिए कुछ ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिकली होता है एयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वाला जो है वो है ऑफलाइन टैप चेंजर का और दूसरा वाला जो है वो है ऑनलाइन टैप चेंजर का। तो पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन टैप चेंजर के बारे में। ऑफलाइन टैप चेंजर में आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है वो है प्राइमरी वाइंडिंग और जो राइट साइड में है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स है 1 से 8 तक, वो शो करता है टैपिंग के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक हैंडल है
ग्रीन कलर का एंड साइड में सब स्टॉर्ड है जो कि नंबर क्या है 1 से 6 तक। तो अगर हम हैंडल को 1 एंड 2 पे कनेक्ट करेंगे तो जो आउटपुट सप्लाई है वो पूरा मिलेगा, जैसे कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। उस हिसाब से अगर हम हैंडल को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में रखेंगे तो हमें आउटपुट भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। उसके बाद आइए बात करते हैं ऑनलाइन टैप चेंजर के बारे में। ऑनलाइन टैप चेंजर में प्राइमरी में आप देख सकते हैं टैपिंग सब है, यहाँ पे कितना परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग हम यूज कर रहे हैं वो सब लिखा है। लेफ्ट साइड में प्राइमरी वाइंडिंग में एक हैंडल होता है जिसको यूज करके हम डिफरेंट टैपिंग सब यूज कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हमें टैपिंग चेंज करना होगा तो पहले सोचिए कि अगर एक टैपिंग 0.5 पे कनेक्ट है तो अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है तो अगर उसे 0.4 में कनेक्ट करना है तो पहले हमें एक और टैपिंग लेके उसे 0.4 में कनेक्ट करना होगा, उसके बाद 0.5 से निकालना होगा, जैसे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज रप्चर ना हो, डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद आइए बात करते हैं ऑयल कंजर्वेटर के बारे में। ऑयल कंजर्वेटर जो है वो ऑयल को स्टोर करता है जो कि एक एयर टाइट मेटालिक एंड सिलेंड्रिकल ड्रम है। ऑयल कंजर्वेटर प्रेजेंट होता है बचल रिले के ऊपर। ऑयल कंजर्वेटर में मेनली 1/2 और 2/3 परसेंटेज ऑफ ऑयल रहता है, मतलब 3 भाग से 2 भाग ऑयल और आधा भाग एयर रहता है प्रेशर मेंटेन के लिए। जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑयल एक्सपांड करने लगता है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल बचल रिले के थ्रू से कंजर्वेटर टैंक में आता है, तो कंजर्वेटर टैंक का जो एयर है वो बाहर निकल जाता है ब्लोअर के। उसी तरह जब ट्रांसफार्मर ठंडा हो जाता है तो ऑयल का साइज घट जाता है, जिसकी वजह से आउटसाइड का एयर ब्लोअर के थ्रू से कंजर्वेटर टैंक में रिटर्न आ जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर जो है वो मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करता है ट्रांसफार्मर के अंदर। जैसे कि मैंने पहले कहा ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑयल एक्सपांड होगा, तो जो कंजर्वेटर का एयर है वो आउटसाइड चला जाएगा ब्रीदर के थ्रू से। पर जब अगेन ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा हो जाएगा उसका साइज कम हो जाएगा, तो जो आउटसाइड से एयर है वो अंदर आएगा प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो उस टाइम में ब्रीदर क्या करता है, एयर में जो सब पार्टिकल्स होते हैं मॉइस्चर होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से जो मॉइस्चर है वो ट्रांसफार्मर ऑयल तक नहीं पहुंच पाता। तो इस प्रोसेस के लिए ब्रीदर में होता है सिलिका जेल, जिसका मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हाई है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रीदर एयर फिल्टर के हिसाब से भी काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलिका जेल का कलर बोथ पिंक एंड ब्लू है। तो जब पहले जब इंस्टॉल किया गया होता है उसका कलर ब्लू होता है, पर जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है उसका कलर ब्लू से पिंक हो जाता है। तो जब ये ब्लू से टोटल पिंक हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये खराब हो गया और हमें इसे चेंज। इसके बाद आता है कूलिंग ट्यूब्स। तो कूलिंग ट्यूब्स यूज होता है ट्रांसफार्मर ऑयल को कूल करने के लिए। इसका दो प्रोसेस है, नेचुरल और फोर्स्ड। तो नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो जाता है तो एक्सपांड होके गर्म ऑयल ऊपर आ जाता है, तो गर्म ऑयल ऊपर आने की वजह से पाइप के थ्रू से फिर से घूम के नीचे आ जाता है, इस तरह से वो ठंडा होता है, जो कि है नेचुरल प्रोसेस। और फोर्स प्रोसेस में क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म हो गया तो वही गर्म ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उसको कूल करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस यूज किया जाता है, जैसे कि एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल फील्ड कूलिंग, ऑयल फील्ड एयर फोर्स कूलिंग और ऑयल फील्ड वाटर कोल्ड कूलिंग। इसके बाद आता है बचल रिले। बचल रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि सेंस करता है डिफरेंट फॉल्ट कंडीशन ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ भी इंटरनल फॉल्ट होता है तो उसे फॉल्ट के कारण जो आर प्रोड्यूस होता है, आर की वजह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो डिकम्पोज हो जाता है डिफरेंट कार्बन पार्टिकल्स में, जिससे कि गैस इवॉल्व होता है और वो ट्रांसफार्मर टैंक से बचल रिले में पहुंच जाता है। तो बचल रिले में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पाइप है फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन टैंक, उसी साइड से एयर बबल्स आते हैं और बचल रिले के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर एयर जमा हो जाता है और ऑयल का लेवल कम हो जाता है। ऑयल का लेवल कम होने से यहाँ जो मर्क्यूरी स्विच है वो कनेक्ट करता है अलार्म सर्किट के बोथ स्विच को, जिसकी वजह से अलार्म ट्रिगर हो जाता है और इस तरह से बचल रिले काम करता है। इसके बाद है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट जो है ये भी प्रोटेक्शन के लिए ही यूज होता है। जब ट्रांसफार्मर सडनली ज्यादा गर्म हो जाता है तो जो गर्म ऑयल है वो एक्सप्लोजन वेंट के थ्रू से बाहर चला आता है, जिसकी वजह से हम एक्सप्लोजन को अवॉइड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, पर इसका जो बाकी कंटेंट्स रह गया है जैसे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग लॉसेस एंड एप्लीकेशन, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए नीचे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यही सेम नॉलेज आपके दोस्तों को भी मिले तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।